क्या बुरी बात है? क्या बुरा कर दिया? आप ईमानदारी से आप पहले देखिए इसमें आप अकेला फोटो है, अरे ये देखो पहले इसमें अकेला फोटो है देखिए ना, ये देखिए एटीएम का फोटो देखिए देखिए देखो अकेला आपका है, सीडी बनाता हूं सबका है, सीडी बना बनाइए बुजुर्ग चलो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत डिलीट कर दो यार, छोड़ो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, हटाओ डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत डिलीट कर दो, आप प्रवेश कर रहे थे वहाँ पर एक अपने यहाँ शाहजहाँपुर जी डी आई के पहचान रह चुके राजन सिंह जी, इस समय जो है वर्तमान समय में हरदोई में पहचान रहे हैं। डी एम साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप मंडले में एफ आई आर कराइए, मैं उनका सस्पेंशन करूँगा क्योंकि भाई अधिकार नहीं है उनको, अगर सरकारी सेवा में रहते हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का शुरुआत ना करते तो इतनी अभद्रता ना होती। सबसे पहली शुरुआत जो करी है वो राजन सिंह ने ही करी, क्योंकि वो इन्हें जानते थे, वो इन्हें जानते थे। कंडीशन ये थी कि दलित नेता खुद कह रहे थे, कल इनका कहना है एसपी के यहाँ बैठ करके कि साहब बिल्कुल इतना भयंकर विद्रोह हो गया कि हमारा तो नेतृत्व वर्किंग फॉर द सोसाइटी बट यू पीपल नॉट इवन सपोर्टिंग देम एंड यू आर सपोर्टिंग द पैरासाइट फॉर द सोसाइटी दोस पीपल, दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर सोसाइटी। एंड वन मोर दैट वे दीस पीपल विल सफर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जी भाई साहब ये बताइए क्या रहा उसमें, कैसा क्या मामला? कल दलित आंदोलन था, मैं कवरेज करने के लिए पत्रकार होने के दायित्व को निभाने के लिए मैं उस आंदोलन में साथ में भीड़ के साथ में था, मैं इसकी फोटोग्राफी कर रहा था। जब ये लोग रेलवे ट्रैक को बाधित करने के लिए पहुंचे और उस पर कब्जा किया रेलवे ट्रैक पे, उस समय बीच में राजन सिंह जो जीटीआई के प्रचार हैं वो वहाँ पर बीच में आकर के नारेबाजी करने लगे और गले में नीले रंग का स्कार्फ डाल रखा था। मैं फ़ोटोग्राफ ले रहा था, उसमें हो सकता है कि उनके भी फ़ोटोग्राफ आए हों, तो वो एकदम मेरे पास आए और कहने लगे कि आप ने मेरा फ़ोटो क्यों लिया? मैंने कहा मैं सभी का फ़ोटो ले रहा हूँ, आपका अकेला मैंने फ़ोटो नहीं लिया। तो उन्होंने मेरे रिवॉल्वर निकाल कर मेरे पेट पर लगा दिया और मतलब गालियाँ देते हुए मेरे साथ मारपीट की और मेरा मतलब जो कैमरा छीन लिया, पहले पटक दिया, फिर उसके बाद में दोबारा मैंने फिर जब कैमरा उठाया फिर उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और वो कैमरा मुझे नहीं मिला। मैंने डीएम सदर को वहीं पे मौके मौजूद थे, मैंने उनको बताया कि मेरा कैमरा ले लिया गया है, मेरा कैमरा दिलवाइए, और वो ये कहते रहे कि मैं बाद में दिलवा दूँगा, अभी आगे देखता हूँ किसके पास है क्या है, लेकिन मेरा कैमरा नहीं मिला। मेरा मोबाइल भी उन्होंने उठा करके मेरे जेब से निकाल करके, एक व्यक्ति ने उसी में से उनके साथ तीन चार लोग थे तो उसमें से एक ने मोबाइल भी मेरा पटक दिया जो कि उसकी स्क्रीन टूट गई है मेरे मोबाइल की। तो आज क्या आश्वासन मिला आज आ पाए थे? आज मैं कल मैं पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर से मिला था तो उनको मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, और दूसरा पक्ष भी बैठा हुआ था वहाँ पे, उन्होंने ये भी कहा कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आपका कैमरा जो है वो नया ख़रीद करके दे दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे FIR चाहिए, FIR होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति डकैती डालता है और वो सामान वापस कर दिया जाए तो क्या उसके खिलाफ़ मुकदमा नहीं कायम होगा? तो मैंने इस बात का विरोध किया, मैंने मेरा अपना यही कहना है कि नहीं FIR होनी चाहिए। आज भी मैं अब जिलाधिकारी है नहीं, अपर जिलाधिकारी राजस्व से मिला हूँ पत्रकार बंधुओं के साथ में, तो ए टी एम साहब ने क्या आश्वासन दिया? ए टी एम फाइनेंस ने कहा है कि नहीं न्यायोचित कार्रवाई होगी और उस पर किसी प्रकार का ढीला नहीं। अगर कार्रवाई में हीला हवेली होती है तो मैं उसके लिए आंदोलन करूंगा और आमरण अनशन करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी आत्मदाह करूंगा, लेकिन न्याय के लिए मैं अपने सम्मान के लिए सब कुछ करूँगा।